भाई जब वहां से वापस आ गए और यहाँ पे आके बैठ गए गाइस, देखो हम इतने ऊपर, हाँ शायद बर्फबारी हो सकती है गाइस, स्नोफॉल। ये देखो बदलों पे पहाड़ आ चुके हैं, अगर यहाँ से पैर फिसल गया ना गलती से तो नीचे वहाँ पे जाके पाएंगे जो भी आधा फर्दा सामान। तो हेलो, कैसे हो आप सब भाई? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। 2:30 हो रहे हैं गाइस। तो गाइस ये झेलम नदी है, अभी आप देख सकते हो, कल तो हम सिंधु नदी के किनारे थे, कल सिंधु नदी देखी, कल वहाँ से सोममार्ग देखा, बहुत सारी जगह देखी थी। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना। और ये है झेलम नदी, और यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, और अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए, अब जाएंगे हम पालगाँव। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो मस्त होने वाली है। तो गाइस अभी हम आना श्रीनगर के रेलवे स्टेशन, और ये देख लो आपने रेलवे स्टेशन श्रीनगर, मैंने कभी सुना नहीं था श्रीनगर में रेलवे स्टेशन, पर देख रहा हूँ है पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन, पर जम्मू से कोई साधन नहीं, ये रेलवे स्टेशन केवल थोड़ी दूर के लिए है गाइस। गाइस हम श्रीनगर से ट्रेन में बैठ चुके हैं अनंतपुर के लिए, और ये ट्रेन है गाइस, देखो आप। चल रहे हैं अनंतनाग रेलवे स्टेशन के पास में, और गांव का नाम भी शायद यही होगा अनंतनाग। तो गाइस ये डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है गाइस ये, और ये रोड है। अब जा रहे हैं हम बस स्टैंड की तरफ, तो चलो देखते हैं यहाँ से बस पकड़ेंगे, और वो है स्टेशन गाइस, वहाँ पे वीडियो नहीं बना रहे, सही बात है। और गाइस यहाँ पर बाड़ी करने का तरीका देख लो आप कैसे करते हैं, मतलब सब्जी वब्जी बातें हैं ना वो ऐसे बातें हैं गाइस, हमारे साइड तारबंदी करते हैं, यहाँ पे देखो लकड़ियों से कैसे बंद कर रखा है, और इसके अंदर गाइस सब्जी बा रखी है, और ये जो है सारे धान के खेत है, धान लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 या 7 महीने तो ओपन रहता है, फिर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से देख लो यहाँ पे धान ही धान लगा रखे गाइस। तो गाइस अभी पहलगाम की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे सेब के बगीचे और अनार के बगीचे आ रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं सेब के बगीचे अनार के बगीचे इतने हैं यहाँ पे। तो गाइज हम अनंतनाग से पहलगाम के लिए, ये इसको बोलते हैं सुमो, यहाँ पे जो ट्रैवल गाड़ी होती है उसे सुमो बोला जाता है। और ये देखो ये सेब के बगीचे दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले सेब के बगीचे और अनार के बगीचे, और यहाँ पे धान धान हो रहा है, धान के लिए यहाँ पे नदियाँ बहुत है, इस वजह से यहाँ पे धान धान के लिए दिख रहा है पहलगाम की तरफ, तो भाई जब हमको यहाँ पे छोड़ दिए गए, और यहाँ से देखते दूसरी बस पकड़ेंगे चलते हैं, ये जा रहे हैं हमारे लंगर पार्टी। तो भाई जब हमारा एक पंटर देखो घोड़ों के साथ में बैठा हुआ है, इसकी रुपाई करने के लिए इसको धर दिया, और भाई जब पहलगाम जा रहे हैं, हमें देखो क्या साधन मिला है, बहुत शानदार, हमारे दोस्तों के साथ जा रहे हैं। किस्मत क्या करेंगे यार, ये तो नसीब वालों की बात है, अमरनाथ के जाएंगे गाइस, अमरनाथ की यात्रा में चलेंगे गाइस, भगवान इनको स्वस्थ रखे मस्त रखे। और गाइस ये देखो हमारे दो पहलवान घोड़ों के साथ में इनकी सेवा के लिए जा रहे हैं पहलगाम, और गाइस ये है पहलगाम का रास्ता, और भाई देखो ये भाई घोड़े हम तो बैठ गए इसमें बीच में,